हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलदीप सिग्नेचर और आपका वेलकम है इस चैनल पर। यदि आप न्यू वन है तो आप चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जा सकते हो। पर आज का जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट 3 है हमारा, लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ अ वन वेरिएबल। और आज हम एग्जांपल करने वाले हैं। ये कैसी एग्जांपल है जो सिंपल आती है कि आपको कि आप यूज ऑफ डेफिनेशन ऑफ लिमिट और बाय यूजिंग द डाटा डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव कीजिए कोई भी फंक्शन की। जैसे हमारे पास लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 3, काफी आसान है, 3 लाइनों का है, 3 मिनट तक नहीं लगेगा हमें इसको 2 मिनट में कर सकते, लेकिन मैंने आपको समझाना है तो मैं यहां पर 5 मिनट आपके लिए ले सकता हूं। और आप इस वीडियो को प्लीज ऑनलाइन वॉच कीजिएगा और अपने प्यारे से फेस पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ इसको करिएगा, कमलदीप रिपोर्टर के साथ। रिपोर्टर नहीं है हम आपके लिए जस्ट गाइड है, आपके फ्रेंड है। तो आपको यदि अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। एक बात और, मेरे को हिंदी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन जब मैं ट्राई करता हूँ बिकॉज हिंदी बोलने से कुछ अच्छा सा फील होता है। पंजाबी तो मेरे क्या कहते हो वो खून कतरे कतरे में है पंजाबी तो, लेकिन पता नहीं कैमरे के सामने आते कुछ मिक्सिंग होने लग जाती है लैंग्वेज। तो मेन मोटिव क्या आपको समझ आना चाहते हैं, यदि आपको समझ आता तो प्लीज बताना जरूर मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आज का जो टॉपिक है क्या हमारे पास, बाय यूज ऑफ डेफिनेशन ऑफ लिमिट शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो अभी इसको करने के लिए आप भूल जाइए मेरे एक डायलॉग है कि आप भूल जाइए कि आपको कुछ आता है, बिकॉज को सीखने से पहले भूलना, आपका माइंड खाली होना बहुत जरूरी है। यदि आपको पहले से बहुत कुछ आता है और मैं कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा तो वो मैच नहीं हो पाया तो आप उसको सीख नहीं पाएंगे। तो मैं ऑलवेज स्टूडेंट को कहता है कि यदि आपको भूलने की बीमारी है, जब आप भूल जाते हो तो बहुत अच्छा है, भूला हुआ ही कुछ सीख सकता है लाइफ में। मेरे को यदि सब कुछ याद है, सब कुछ आता है तो मैं न्यू कैसे सीखूंगा। तो यदि आप भूलने वाले हो, आप भूल जाओ आपको कुछ आता है, आपको टीचर ने क्या बताया, 2 मिनट के लिए आप सिर्फ भूल जाओ कि आपके टीचर ने आपको क्या बताया था, अभी मैं क्या बताने वाला उसको देखेगा, फिर उस दोनों में कंपैरिजन करना बाद में। लेकिन अभी आप कैसे करना, आपको प्रूव क्या करना है कि लिमिट एफ जहां पर एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, मीन मैं आपको जस्ट फ्रेमवर्क सेट करने वाला हूं कि हमें प्रूव क्या करना है, हमारा जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो आप यदि प्रूव करना चाहते हैं कि एफ एक्स की लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए इज इक्वल टू एल ये कब होती है, इसके ऊपर डेफिनेशन क्या कहती है कि यदि हम एप्सिलॉन, तो मैं यहां पर आपको क्या बताने वाला हूं कि हाउ टू थिंक, कि आप सोचे पहले एग्जाम में आप बैठे हो तो आप क्वेश्चन को देखिए, सोचे एक माइंड में एक पिक्चर आपके आनी चाहिए कि यार जैसे इसका फ्रेमवर्क क्या है आपके लिए, तो आप उसको पहले सेट कीजिएगा कि हमें मालूम है कि एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू एल कब होता है, जब भी हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको डेल्टा फाइंड कर लें जो एप्सिलॉन के ऊपर ही डिपेंड करेगा सच, और उसके लिए आप शो कर दें कि आपकी जो एफ एक्स की वैल्यू है माइनस है वो लेस देन एप्सिलॉन है फॉर कब, जब 0 ग्रेटर देन एक्स माइनस ऑफ ए लेस देन डेल्टा। मीन आप जाओ तो इसको लेट कर लीजिए, और इसको लेट करने के बाद आप इसे यदि प्रूव कर देते हैं कि इन दोनों को जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से स्मॉल है, तब आपका ऑटोमेटिकली मीनिंग, मैं कहना क्या चाहता हूं कि आप एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेकर चलें, और आप यदि एफ एक्स माइनस एल को शो कर देते हैं कि एप्सिलॉन से छोटा आता है फॉर सम एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, यदि आप ऐसा कर देते हैं देन हम इसको जहां पर लिख सकते हैं डायरेक्टली, ऐसा करने के बाद हम यहां पर लिख सकते हैं कि हमारी जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो अभी हमें इसको कंपेयर करता हूं यहां पर कि मेरे पास अभी है क्या, हमारे पास हमने डेफिनेशन तो लगानी है, ये डेफिनेशन मेरे माइंड में आ चुकी, मैंने इसको रफ वर्क में लिख लिया अपने एग्जाम के जो भी है पेज वहां पेपर पर लिख लिया। अभी मेरे पास है क्या, मेरे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हमारे पास 4x माइनस ऑफ 5 है, और साथ में मेरे पास एक मिनट चेक कर लीजिए इंडिया, यस इट इज राइट, बिल्कुल ठीक है हमारे पास, और साथ में जो मेरा एल है वो क्या है 3 है, और जो मेरे पास ए है वो कितनी है 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमने इसको छोटा करना है एप्सिलॉन से, लेकिन ये है कि आप सबसे पहले इसके ऊपर वर्क कीजिए कि आपका जो एफ एक्स माइनस एल वो बनता कैसा है, उसको देख तो लें, देख तो लें एक बार है क्या जी, आपका एफ एक्स क्या है 4x माइनस 5 तो माइनस है तो यहां पर क्या हो गया 3, तो ये आपका बन जाएगा 4x आई थिंक माइनस ऑफ 8 बन जाएगा, और जहां से आपके पास क्या आ रहा 4 कॉमन आ रहा है, डी 4 की मॉड, जब आप 4 लेंगे तो मॉड भी इसके साथ आएगा, अंदर बचेगा x माइनस ऑफ 2, लेकिन 4 तो एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर तो ये क्या होगा सिंपल 4 इनटू x माइनस 2 आपके पास हो जाएगा जी। और साथ में ध्यान दे कि हमने यहां पर शो करना है कि x माइनस a, अभी आपका x माइनस जहां पर a क्या आपका 2, कि अपने यहां पर x माइनस ऑफ 2 को लेस देन डेल्टा करना है, सम डेल्टा डेल्टा हमने ऐसा फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, आपको याद होगा कि हमने फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन इफ वी आर एबल टू फाइंड अ सच डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन व्हिच हेल्प अस टू दैट दिस रिजल्ट हेल्प अस टू शोइंग दिस वन, देन वी कैन सिंपली से दैट द गिवन लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अभी यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि हमने चेक कर लिया कि जो इसकी वैल्यू वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो देयरफॉर यदि हम कोई एप्सिलॉन ले लेते हैं, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
आप कितना भी स्मॉल ले लें, हाउएवर स्मॉल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाउएवर स्मॉल। नाउ जो आपका जो फंक्शन है fx माइनस ऑफ l, ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? दिस इज लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? व्हेनेवर। इसकी वैल्यू कितनी अभी आपके पास, ये एप्सिलॉन से छोटा क्यों क्यों होगा, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास, जे वाली वैल्यू है, मीन जे छोटा होगा या फिर जे, दोनों तो सेम है ना, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इसके इक्वल। तो हम कह रहे हैं कि fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेनेवर जो इसकी वैल्यू आ रही है 4 इनटू x माइनस 2 आपका लेस देन एप्सिलॉन होगा। अभी 4 कांस्टेंट है, आप इसको इधर आप डिवाइड कर सकते हो, तो आपके पास क्या होगा, व्हिच इंप्लाइज आपके पास x माइनस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 हो गई। अभी ध्यान दीजिए यहां पर x माइनस 2 है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा, बिकॉज आपके पास ना जब आपकी लिमिट होती है, आप लिमिट लगाते हो कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, तो आपका x कभी भी 2 नहीं होता। यदि आपका x कभी 2 नहीं होगा तो आपका x माइनस 2 कभी भी 0 नहीं होगा, जब कभी भी 0 नहीं होता, या तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन मॉड होने के कारण इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0। अभी आपके पास जी वाली कंडीशन आ चुकी है कि x माइनस a की मॉड जो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा होती है हमारे पास की एप्सिलॉन बाय 4, तो मैं इसी को डेल्टा कंसीडर कर लेता हूं, से दिस इज अबाउट डेल्टा। तुम्हारे पास डेल्टा कितना आ चुका, मैंने हम जहां पर लिखते हैं ना हमारा जो डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, तो हम जहां पर हमने डेल्टा को कैसा लिया हुआ है एप्सिलॉन बाय 4 कंसीडर कर लिया कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अब हमारे पास ऐसा एक डेल्टा फाइंड हो चुका है कि एप्सिलॉन बाय 4, यदि हम इसको एप्सिलॉन बाय 4 पिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली जे हमारे पास क्या होगा, इससे स्मॉल होगा, 4 इधर आएगा, तो जे एप्सिलॉन से छोटा है, जे क्या हमारे पास ऑटोमेटिकली, हम बैक का यहां पर, तो हमारे पास जे हो जाएगा। तो देयरफॉर हम अभी इसको डेफिनेशन में लिखने वाले हैं, तो देयरफॉर आपने क्या लिखना है, देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास हाउएवर स्मॉल, काफी स्मॉल आप ले सकते हो, वी कैन फाइंड डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स माइनस एल विच इज नथिंग बट इज इक्वल टू आपका स्टार्टिंग में वो है कितना, स्टार्टिंग में जो हमारे पास 4x माइनस 5 और माइनस ऑफ 3 लेस देन आपका एप्सिलॉन होता है कब, 4, जब आपकी 0 लेस देन x माइनस ऑफ 2 लेस देन डेल्टा, और आपने यहां पर लिखना है वेयर आपका जो डेल्टा है वो कैसा है, एप्सिलॉन बाय 4 होगा। यदि मेरा डेल्टा एप्सिलॉन बाय 4 होगा तभी ये सारे के सारे ट्रू है, तो हमने यहां पर डेफिनेशन अप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइंड कर दी। यदि आप इस लाइन को आप लिखते, मैंने आपने बताया था कि यदि आप इस लाइन को लिख गए और आपने यहां पर शो कर दिया कि आपका डेल्टा है, तभी इस ये सीधा ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हिच इंप्लाइज आपकी जो लिमिट है वो किसको अप्रोच करती है, 2 को, एक्सटेंडिंग टू 2, जो आपका ये फंक्शन है यहां पर क्या होता है fx, fx जहां पर आ जाएगा ये जो नंबर जहां पर चला जाएगा, मीन आपका जो 4x है माइनस 5 ये जहां पर आ जाएगा और ये आपका इधर चला जाएगा, हेंस प्रूव द रिजल्ट। काफी आसान था, हमने प्रूव कर दिया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, काफी आसान हो चुका है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपने करना क्या, सिंपल सी एग्जांपल, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, सारे के सारे स्टेप को नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पर, और इसके साथ अपने आप एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल यदि टाइम होगा हमारे, क्योंकि जो आज की सेकंड एग्जांपल है बेटा वो काफी, वो भी मैंने आपको सेम एक लिख रहा था, जो कि क्लियर, जो कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा कि मैंने आपको ऑलरेडी फ्रेमवर्क दे चुका हूं और जिसके ऊपर आपने जस्ट काम करना है, उसको माइंड में सेट करना हो, कोई भी एग्जांपल आए अपने उसको सेट करना है वहां पर। आज की नेक्स्ट एग्जांपल है वो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 2x plus 3 is equal to 1। देखिए मैंने इसको प्रॉपर सामने किया, मैंने इसको बीच बीच में ऐसे रखा हुआ कि ये मेरा फ्रेमवर्क था जो हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी, अब कैसे मैं इसको वहां पर चक के सेट करता हूं और आपका जो सम है वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होगी। तो देखते रहिए यहां पर कम्युनिकेशन अपने आप क्या, यहां पर एक अपने हाँ अपने प्यारे से फेस पर प्यारी सी स्माइल के साथ, और साथ में कुछ खाते पीते रहिए, हेल्दी रहिए, और देखिए कैसे होने वाला है ये अभी सम हमारे पास क्या है। तो जो मैंने सेम फ्रेमवर्क है हमारे पास, fx क्या है, अभी आपका fx क्या है, जी वाला है 2x plus 3 है, आपकी l क्या है 1 है, आपका a क्या है -1 है, ठीक है। अभी हमने वही फ्रेमवर्क में डाल रहे हैं, अभी हम क्या करने वाले हैं, fx minus l की वैल्यू, fx क्या है इतना है 2x plus 3 और minus l कितनी है 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x और 3 -1 दैट इज प्लस का 2 आ जाएगी। इन दोनों में से आप 2 को कॉमन निकालिए तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास गट मॉड ऑफ 2 इनटू x प्लस 1 होगा, आपके पास मॉड 2 पॉजिटिव है इसलिए जब 2 बन जाएगा, ये क्या होगा आपका x प्लस 1 होगा, ठीक है। अभी आप देखिए आपका जो a है वो कितना है -1 है, जब आप इसको करेंगे यहां पर x माइनस ऑफ -1 तो ये क्या बनने वाला है, ये x प्लस 1 ही बनने वाला है आपका, मीन यहां पर जो x माइनस है वो अब आपके पास x प्लस 1 होगा जो हमने यहां पर रेडी कर चुका। उसके बाद भी आपका फ्रेमवर्क वही चलेगा, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल
हमने यहाँ पर लेट कर लिया है, तो नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आपका कब होगा, व्हेन एवर इसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पर फाइंड की वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है व्हेन एवर दिस 2 इनटू एक्स प्लस 1 जो है हमारा लेस देन एप्सिलॉन होगा। अभी 2 को इधर आप डिवाइड कर दीजिए, दैट इज एक्स प्लस 1 है आपका लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। और मैंने बताया अब आपका एक्स प्लस जो प्लस 1 है ये हमारा जे एक्स माइनस ए है, लेकिन ये तो डेल्टा से स्मॉल होना चाहिए, लेकिन हमारे पास एप्सिलॉन बाय 2 है, सो टेक इट एज डेल्टा। तो आप इसको डेल्टा से कर लीजिए, हमारा जो डेल्टा है वो डिपेंड कर गया एप्सिलॉन पर, इसका इतना ले लिया। अभी जैसे मैंने इसको कंसीडर किया, बाद में हमने क्या किया था, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल वी कैन फाइंड डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट f(x) - l व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, f(x) क्या हमारा वो गिवन वाला 2x + 3 है और माइनस एल कितनी है 1, दिस लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 लेस देन यहां पर क्या आ चुका आपका x + 1 लेस देन डेल्टा, और बेयर जो आपका डेल्टा है वो कितना है एप्सिलॉन बाय 2। सो देयरफॉर ये लाइन लिखने के बाद आप लिखें तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन होगा जी, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन एक लाइन ऐड कर लेना प्रीसी पार्ट में, देयरफॉर बाय डेफिनेशन तो हमारे पास जहां से क्या आएगा डायरेक्ट हम जहां तक पहुंच जाएंगे कि हमारी जो लिमिट है x टेंडिंग टू अभी वो कहां पर जा रही है, वो -1 ये कितना है -1 को टेंड करेगा, fx कितना है 2x + 3 है और इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया l 1। इसके साथ ही आपके जो क्वेश्चन भी हो जाएगा, फ्रेमवर्क पहले वाला ही है जस्ट वैल्यूज पुट की, और यहाँ पर माइंड के जो एफर्ट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, माइंड अभी काम करा ही नहीं यहाँ पर, सिंपल था प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क था उसमें हमने सेट कर दिया और आपके 5 मार्क्स आपके हो जाएंगे जैसे आपके हो जाएंगे। और प्लीज यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, इस यूट्यूब फैमिली जो भी 1700 की है जस्ट 1700 की है आप उसको इंक्रीज करवाने में मेरी हेल्प कर सकते, यदि आप चाहते हो कि इन फ्यूचर मैथ्स की और भी वीडियो यहाँ पर मिले। मेरा भी एक छोटा सा सपना है कि जस्ट 1 ईयर तो अभी होने वाला नहीं है, अभी 2 और 3 ईयर में मैक्सिमम जितना बीएससी का या एमएससी का सिलेबस मेरे को आता है वो मैं उसको अपलोड कर पाऊँ, ताकि जो इन फ्यूचर यदि मैं इस टीचिंग लाइन में रहा या नहीं रहा तो भी आपकी हेल्प होती रहे। तो प्लीज आप इसको जितना बड़ा करेंगे, फैमिली को इंक्रीज करवाने में हेल्प करेंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाएंगी और हम बड़ा कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक चेन रूल के साथ बिना प्रॉफिट बिना किसी मंशा से हम एक दूसरे के साथ होंगे यदि आप साथ देंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और बने रहिए चैनल पर और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहिए और बातचीत करते रहिए, बातचीत करने से ही बातचीत बनती है, मीन कुछ रिलेशन होने से हम इसको और भी परफेक्शन में कर सकते हैं। आप नोन होंगे, हम नोन होंगे, मीन जब भी हम बात करेंगे या मैं आपके रिप्लाई आपको करता हूँ आपके कमेंट का, तो एक रिलेशन सा होता है, वो उस रिलेशन में आपको शायद कुछ ज्यादा अच्छे से समझ लग जाए, एक अननोन पर्सन से और एक नोन पर्सन से समझने का थोड़ा सा तो अंतर होता है, फर्क तो पड़ता है भाई। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू, एंड वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड कीप योर स्माइल, प्यारी सी स्माइल को मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।